हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंड्स, डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस पे रीडिंग। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 12 10 से 10:30 के बीच में आएगी। मैं 10 से 12 बोलती हूँ, सच में 12 ही बजे पढ़ पाती है कई बार। 10 से 10:30 के बीच में आएगी तो उसे भी देखने नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स इस पर रेजोनेट करें। जो रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है जो कि आप कभी नहीं करते हो। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, फोकस करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल सफल बाबा जी, हमारे ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि यहाँ पे। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, सभी साइन यहाँ पे आ गए। कप्स, वेंट, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल, यस, चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। पाइसिस मीन राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी उन्होंने गड़बड़ किया है उसमें बैलेंस करना चाहते हैं। चलिए, सारे कार्ड नहीं हम करेंगे क्लेरिफाई, बट हम देख लेते हैं बैलेंस क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करिए, सिक्स ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई करिए। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। पहले आपके पर्सन ने, अगर इनका थोड़ा सा मूड अपसेट है, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है चीज़ों में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ, एक सेकेंड, जगल कर रहे हैं, यस। दो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती हैं, मदर इशू हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते के लिए राजी नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आई है, चीज़ों को बैलेंस, इनकी जो इच्छा है वो यही है कि बैलेंस हो जाए, आप भी मान जाओ, आपके उनकी फैमिली भी मान जाए चीज़ों को, तो यही चाहते हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर आपके अलावा कोई ऑप्शन है, कुछ लोगों के लिए फैमिली होगी, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जो किसी और से मैरिड हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है उनके स्पाउस होंगे, और मतलब हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या उनके बच्चे हो सकते हैं, तो वो वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उनकी इच्छा यही है, सबसे बड़ी इच्छा उनकी यही है कि आप भी उनकी ज़िंदगी में बने रहो, उनकी फैमिली भी उनकी ज़िंदगी में बनी रहे, ठीक है, या आपके अलावा अदर कोई ऑप्शन है तो उसे भी आपके पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं। ये सब सोर्स की एनर्जी है, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, किसी तरीके की, ये सब सोर्स जीतना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, ये दोनों ही पार्टीज को अपने पास रखना चाहते हैं। ये सब सोर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैंने वही कहा, एक तरफ प्यार है, ठीक है, और दूसरी तरफ फैमिली है, तो ये दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, एक तरफ फाइनेंसिस है, एक तरफ इमोशंस हैं, ठीक है, और दोनों को ही ये मतलब जीतने की इनकी एनर्जी है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सब कुछ जीतना चाहते हैं, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल या तो इनकी, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आप सेपरेशन में चल रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, फाइनेंशियल हो सकता है आपके पार्टनर कुछ कमाते नहीं हैं और किसी भी सिचुएशन में है, और उनकी फैमिली जो है वो आपको पसंद नहीं करती है, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है आप लोग अगर सेपरेट रह रहे हो तो आपकी पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, या सपोज अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो तो वहाँ पे आपके साथ मैरिज करनी है उनको, ठीक है, क्योंकि वो आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। दूसरी चीज़ वो ये भी जानते हैं कि आप एक बहुत कमिटेड लॉयल इंसान रहे हो उनके लिए, तो वो आपके साथ भी चीज़ों को वो ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं,
वो चाहते हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाएं, वो आपने जो उनको दिया है वो उसको आपको दे सकें, ठीक है। तो वो फाइनेंसिस भी कमाना चाहते हैं इसी वजह से, और आपको वो दर्जा देना चाहते हैं, उनके आपके साथ न्याय करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर फैमिली और आप में है तो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली भी इतनी ईजिली छोड़ी नहीं जा सकती। फाइव ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइव ऑफ वेंड्स को नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है इस वक्त, ये बहुत इमोशनल है, इनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फैमिली है तो फैमिली को समझाना चाहते हैं, ये चीज़ों को बताना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके बगैर खुश नहीं रहेंगे कभी भी, ठीक है। नाइन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, ये फाइट बैक करने के मूड में है, ठीक है। फाइट बैक करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है उनसे लड़ने के लिए ये तैयार हो रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि इनको नहीं लड़ना पड़ेगा, इन्हें प्यार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से ये इमोशंस को अपने बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, बट इमोशंस की जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनको होल्ड कर रहा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम प्यार के का दरिया बह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उस प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ठीक है। अब ये उस चीज़ को ऐसे नहीं कि फ्लर्ट करना है, रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़ना है, और या फिर उस अगर फैमिली में प्यार के अलावा भी जिम्मेदारियां हैं फैमिली की, तो ये उनको भी निभाना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी ऑब्स्टिकल है उनसे ये लड़ने के लिए तैयार हैं, एक जिम्मेदार इंसान ये बनना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स को अगेन क्लैरिफाई, नाइन ऑफ कप्स दो बार आया है, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं देखो वहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी थी। हो सकता है फैमिली की चॉइस में ये अपनी ज़िंदगी में फैमिली की मर्जी से ये कहीं और भी अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और ये आपके साथ और वो जो ऑप्शन जो फैमिली ढूंढ रही है या जो फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, ढूंढा इन्होंने ही है, तो उनके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, ये चीज़ है, मिसिंग एनर्जी है, वन सेकेंड। हाँ, इनको अभी एक्चुअली हो सकता है फैमिली इनको समझाती है कि इन्हें आपके साथ नहीं बढ़ना चाहिए, इन्हें किसी और के साथ में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप अपने आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या आप अभी मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज करना था आपका, तो यहाँ पे मदर इशू फैमिली इशू यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली में आपको लेकर के बातचीत चल रही है जहाँ पे फैमिली नहीं राजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को उनको समझ नहीं आ रहा है, वो आपको चीट करें कि उनको अपनी विश पूरी करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो मिसिंग एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है जो दूसरा पर्सन है वहाँ से किसी तरीके का उनको मॉनेटरी गेन हो रहा है, ठीक है, जो उनकी फैमिली की चॉइस, हो सकता है वहाँ से डाउरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, या वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है वो पर्सन यहाँ पे एनर्जी, बट ये मिसिंग है इनकी एनर्जी, ठीक है। इनको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इन्होंने अगर पास्ट में चीटिंग किया है ना, तो वहाँ पे अब पास्ट में अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, आपके साथ चीटिंग किया है, तो चीज़ों को अब ये बैलेंस करना चाहते हो, ये उस चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं, और इनके स्लीपलेस नाइट है, मूड बहुत इनका ख़राब हो रखा है, ठीक है, बहुत मूड ख़राब है इनका, लोग ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत जगल कर रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि अपनी फैमिली की बात सुने, उनके हिसाब से चलें, अपनी जो इनकी खुशियाँ हैं उनके बारे में सोचें, कि जस्ट आपके साथ जो इनका सुकून है ये उसके बारे में सोचें। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ये, ठीक है, यहाँ पे जगल कर रहे हैं, एक तरफ फैमिली है एक तरफ आप हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो एक तरफ इनकी फैमिली है, आपके मदर इन लॉ, उनकी सिस्टर और बाकी सब लोग हैं, एक तरफ आप हो, वो जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये हर वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हर वो चीज़ कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिससे कि इनकी ज़िंदगी में ये बर्डन जो है ना, ये बर्डन उतर जाए। चीटिंग बार बार, सेवन 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 की एनर्जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे तीन बार दिखाई दिया, ठीक है, पहले भी निकला नहीं था, पहले भी दिखा था, चीटिंग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, या तो आपके पर्सन को फोर्स किया जा रहा है चीटिंग करने के लिए, तो वो ये नहीं करना चाहते, इनको बहुत बर्डन हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, इनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ चीट करेंगे, आपसे करते हैं प्यार, तो इनको बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। जामिनी हो सकते हैं आप ही, आपके पर्सन, एक तरफ प्यार है, एक तरफ सुकून है, सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अपना छूट जरूर जाएगा, फिजिकल अट्रैक्शन है, वेटिंग एनर्जी है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, ठीक है, एंगर इश्यूज हैं, कभी इनको गुस्सा आता है, कभी इनका मूड जो है वो स्विंग कर रहे हैं, इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। फैमिली शायद आगे बढ़ने के लिए इनको कह रही है, तो ये उनको भी सुन रहे हैं, बट ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं आप में और उनमें। चलिए देख लेते हैं कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
प्लीज डिवाइन प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड. हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं प्लीज डिवाइन बताइए. आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली. यस योर लव इज फेक टू मी. यस इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो. इन्हें आपसे भी इस तरीके की वाइब्स आ रही है कि आप इनको चीट कर रहे हो, और क्योंकि शायद आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो उनके साथ में. ठीक है, ये अकेले ही आपके रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है, और आपका कॉपरेशन अब बिल्कुल भी नहीं है. इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था मेरे लिए फेक था. बाकी आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये आपके लिए रो रहे हैं. ये फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीज़ें बन नहीं रही हैं. तो इस वजह से इनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं. तो ये थी हमारी आज की रीडिंग. उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी. अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल.